गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी का जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने शाम 8 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के गेट पर लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसको देखते हुए मंदिर सुरक्षा में लगे पीएसी व पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद पुलिस व एटीएस ने उससे काफी पूछताछ की, जिसमें कई अहम बातें सामने निकल कर आईं। उसके बाद मामले की जांच के लिए शासन ने मुर्तजा को यूपी एटीएस व एसटीएफ को सौंप दिया था। 5 दिनों की पूछताछ के बाद 11 अप्रैल को मुर्तजा के रिमांड खत्म होने से पहले एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर न्यायालय में उसको पेश कर दिया, जिसके बाद न्यायालय ने मुर्तजा अब्बासी की 5 दिनों का रिमांड बढ़ा दिया। उसके बाद 16 तारीख तक एटीएस ने पूछताछ की और 16 अप्रैल को न्यायालय में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सरकार ने मुर्तजा के ऊपर यूएपीए की धारा लगाया है और मामले की जाँच एनआईए को सौंपा है, जिससे मामले की जांच एनआईए कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में मुर्तजा को भर्ती करवाया, क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। जहां पर उसके हाथों की जांच की गई, अगर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन के अंदर मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के मुर्तजा अब्बासी का इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश कुमार एवं डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, मुर्तजा का जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के पूर्व जो शारीरिक परीक्षण होता है उसको किया गया है। फिलहाल सब कुछ सामान्य मिला है और ब्लड का रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट यदि संतोषजनक रहेगा तो उनका ऑपरेशन कर अभी तक जो स्थिति क्या पाई गई सामान्य है। कल ऑपरेशन कल मॉर्निंग में ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं, अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो कल होगा। इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते।